चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे की। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएंगे, जहां 3 नवंबर को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। अंतागढ़ बालोद में प्रियंका गांधी आम सभा करेगी, तो वहीं 4 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। जगदलपुर और अहिवारा में चुनावी सभा करने वाले हैं, साथ ही नई घोषणा भी इस दौरान राहुल और प्रियंका कर सकते हैं। तो देखिए, हाल ही के दिनों में देखा तो लगातार कांग्रेस एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जो कि उनके मैनिफेस्टो में जारी होगी। अब अगर बात करें तो राहुल गांधी और जब प्रियंका गांधी आई थी और उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की थी, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें या फिर किसान कर्ज माफी की बात करें। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसे और भी अच्छे तरीके से जानेंगे, हमारे साथ में करिश्मा लगातार जुड़ी हुई है। करिश्मा, राहुल गांधी और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का ही 4 नवंबर का दौरा छत्तीसगढ़ का रहेगा, ऐसे में किस प्रकार से इसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता आमने सामने होने वाले हैं। साथ ही में छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी का दौरा था और भानु प्रतापपुर में उन्होंने घोषणाएं की, साथ ही में प्रियंका गांधी का भी दौरा था, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हमें दौरा देखने को मिला। तो लगातार देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी केंद्रीय नेता है वो छत्तीसगढ़ की ओर रुक कर रहे हैं, और अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों बड़े दिग्गज नेता आमने सामने टकराने वाले, क्योंकि दोनों का एक ही दिन छत्तीसगढ़ में दौरा है। हालांकि अलग अलग जगहों पर जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा है वो भी घोषणाएं करे, और 4 नवंबर को हो सकता है दोनों ही दलों की तरफ से बड़ी घोषणाएं जो है जनता के लिए हमें नजर आए, क्योंकि 7 तारीख को देखा जाएगा कि पहले चरण का चुनाव होना छत्तीसगढ़ में काफी कम समय बचा है और घोषणा पत्र जारी नहीं है। ऐसे में बात करें और दोनों नेताओं के दौरे की तो काफी खास ही उनका दौरा रहने वाला है, और अपनी तरफ से एड़ी से छोटी तक का जोर जो है दोनों ही पार्टी दोनों ही दल लगा दे रहे हैं। और साथ ही में अगर प्रियंका गांधी के भी दौरे की बात करें तो 3 नवंबर को जो है उनका छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाले, अंतागढ़ और बालोद में जो है आम जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी नजर आएंगी। इससे पहले महिलाओं को स्वागत हुए भी प्रियंका गांधी नजर आई थी, और लगातार कई ऐसी घोषणाएं हैं जो कि घरेलू और जो जमीनी स्तर पर समस्याएं हैं उन्हें लेकर के वो घोषणा करती हैं। साथ ही में राहुल गांधी की अगर बात करें तो 4 नवंबर को उनका छत्तीसगढ़ दौरा, जिसमें वो जगदलपुर और अहिवारा में जो है सभा लेने वाले, साथ ही में कार्यकर्ताओं से भी बात करते हुए नजर आते हैं और मोटिवेट और बूस्टअप करते हैं सभी को, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय, और बस्तर संभाग और राजनांदगांव गांव और दुर्ग की ओर जो है दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में पहले चरण के चुनाव होने हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों ही दलों का फोकस, मेन फोकस इन्हीं जगहों पर। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सभी दलों के द्वारा तैयारियां की जा रही है उसे कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी और उसके साथ ही कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा रहेगा। 3 नवंबर और 4 नवंबर को बैक टू बैक दोनों ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी और एक बार फिर से चुनावी हुकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए नादी टीवी।